continue doing, okay? The Social Justice Committee is responsible for creating the implementing the schemes so that weaker section of society can get education, health, social and economical facilities. This committee is made of 5 members at the level of Taluka Panchayat and District Panchayat. The formation of Social Justice Committee is compulsory at all three levels of Panchayati Raj. Function of this committee is to impart justice to the weaker section. Okay? इसमें क्या बेटा, जो समाज के जो कमजोर वर्ग होते हैं, लाइक दिस, जैसे कि एजुकेशन, ठीक है, देन हेल्थ यानी स्वास्थ्य, सामाजिक आर्थिक सुविधा जो मिलती रहे, इसके ऐसी योजनाएं बनाना और उनको लागू करना, ये सारे जो वर्क होते हैं वो सामाजिक जो न्याय समिति होती है यानी कि जो सोशल जस्टिस कमेटी जो होती है वो करती है। जो ग्राम पंचायत और तहसील पंचायत और जिला पंचायत के जो स्टेज है ये सब क्या करते हैं, अब ये जो स्टेज है, ये जो सारी समिति जो होती है सिर्फ 5 सदस्यों की होती है। अब ये जो पंचायती राज में जो तीनों स्तरों पर सामाजिक न्याय समिति की जो रचना होती है वो अनिवार्य होती है, वो कंपल्सरी होती है, ठीक है। इस समिति का जो कार्य होता है, ये जो कमिटी होती है, समिति को हम इंग्लिश हिंदी में समिति बोलते हैं, ठीक है। जो इसका जो फंक्शन होता है इस समिति का यानी कि इस कमिटी का, वो कमजोर जो वर्ग होते हैं यानी कि जो वीकर सेक्शन होता है, जो पिछड़े लोग होते हैं, उनको जस्टिस दिलवाती है, उनको जस्टिस देना होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स जो शहरी प्रशासन होता है। देयर इज अ म्युनिसिपैलिटी इन द सिटी हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख और मोर एंड कॉर्पोरेशन इन द सिटी हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ 5 लाख और मोर एंड बोथ ऑफ दीज आर नोन एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। दीज एरिया आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। इलेक्शन आर जनरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। ऑल द वोटर्स ऑफ सिटी हैविंग वोटिंग राइट्स कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। ओके, इसमें क्या है बेटा, जो हमारे देश में लगभग 1 लाख तथा उससे अधिक जनसंख्या वाले जो शहर जो होते हैं उसमें नगर पालिका तथा, और जो 5 लाख या उससे अधिक जो जनसंख्या जिस पॉपुलेशन ज्यादा होती है उसमें, उसको हम महानगर पालिका कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिसमें कि आप सीधे सीधे ये समझ लो कि अगर हमारे देश में 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहर है तो नगर पालिका, और 5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले कोई शहर मतलब ऐसी कोई सिटी है उसको महानगर पालिका का स्थानीय स्वराज की संस्थाएं मतलब इसको कहा जाता है महानगर पालिका, उसको काउंटिंग की जाती है। अगर आप पॉपुलेशन के आधार पर हम कहें तो ये जो फील्ड, ये जो क्षेत्र होता है, जो फील्ड होता है वो निश्चित किया जाता है कि कौन सा फील्ड, कौन सा क्षेत्र आएगा नगर पालिका के, उसमें कौन सा क्षेत्र आएगा नगर महानगर पालिका के फील्ड में। ओके, इसमें न्याय सामान्य रूप से प्रति 5 वर्षों में चुनाव करवाया जाता है, मतलब अगर नगर पालिका तो भी 5 ईयर्स में इलेक्शन होंगे और महानगर पालिका तो भी 5 ईयर में ही इलेक्शन होंगे। जो सिटी के जो सभी जो इलेक्टेड जो पर्सन होते हैं वो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। देन है आपका कॉर्पोरेशन, मीन्स नगर पालिका। अब देयर इज अ कॉर्पोरेशन इन द सिटी जनरली हैविंग द पॉपुलेशन अप टू 25,000 और मोर मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन कॉर्पोरेशन इन 28। सामान्य रूप से 25,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नगर पालिका होती है। नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं, जो मैंने मेंबर्स होते हैं, वो कम से कम 28 उनकी, मतलब इनकी कम से कम जो कैंडिडेट्स की जो कॉर्पोरेशन में जो कैंडिडेट्स होंगे जो जनसंख्या है वो मिनिमम 28 होती है। अब इसका फॉर्मेशन क्या है, एरियाज ऑफ म्युनिसिपैलिटी आर डिवाइडेड इंटू वेरियस वार्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। वन वार्ड कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स, 50% ऑफ देम रिजर्व फॉर वुमेन मेंबर्स। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर सिलेक्टेड फॉर द इलेक्टेड मेंबर। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स। हिज टेन्योर इज ऑफ 2.5 ईयर्स। ही इज द चेयरमैन ऑफ द कॉर्पोरेशन। अब इसमें जो सिलेक्टेड जो इस एरिया में जो म्युनिसिपैलिटी होती है
उसमें क्या है, पॉपुलेशन के आधार पर उसको डिवाइड किया जाता है, यानी कि जो निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उसमें विविध समितियां बनाई जाती है, उसके बाद उसको डिवाइड किया जाता है। तो उसमें जो वर्किंग जो कमिटी होती है, जो कार्यकारिणी समिति होती है, और मतलब वित्त समिति, मतलब इसमें जो वाइस प्रेसिडेंट नहीं, इसमें जो वित्त समिति होती है वो क्या करती है, वो नहीं इसमें सॉरी बेटा, इसमें क्या जो महानगर पालिका के जो विस्तार जो होते हैं ना, इसमें जो वो जनसंख्या के आधार पर ही डिवाइड किया जाता है अलग अलग वार्डों में, कि कौन से वार्ड में कितनी जनसंख्या है, उसके अकॉर्डिंग। एक वार्ड में अगर चार सदस्य होते हैं जिनमें से 50% महिलाएं जो वुमेन होती है वो आरक्षित सदस्य होती है, निर्वाचित सदस्यों में से प्रमुख और उपप्रमुख चुना जाता है। जो प्रमुख होता है, जो मेन होता है मेंबर, वो निर्वाचित अध्यक्ष है, जिसके जिसके जो वर्किंग का जो टाइम होता है वो 2.5 वर्ष का होता है। इसमें जो नगर पालिका का जो अध्यक्ष पद है वो संभालता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन। वेरियस कमिटी आर फॉर्म फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव कमिटी, फाइनेंस कमिटी, हेल्थ एंड हाइजेनिक कमिटी, कंस्ट्रक्शन कमिटी एक्सेट्रा आर कॉन्स्टिट्यूट एज पर द रिक्वायरमेंट। द हेड ऑफ म्युनिसिपैलिटी इज कंसिडर्ड एज द चीफ ऑफिसर, ही इज द अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब इसमें क्या है बेटा, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उसमें विविध समितियां होती है, अलग अलग कमिटी बनाई जाती है, जिसमें कि जो वर्किंग कमिटीज लाइक दिस, जैसे कि कौन कौन सी कमिटी होती है, कंस्ट्रक्शन कमिटी, एग्जीक्यूटिव कमिटी, इलेक्टिव कमिटी, फाइनेंस कमिटी, हेल्थ एंड हाइजेनिक कमिटी, कंस्टिट्यूट एंड एज पर द रिक्वायरमेंट कमिटी, सारी कमिटियां, कमिटी को हिंदी में समिति कहते हैं, सारी कमिटियां बनाई जाती हैं। इसके उपरांत जो आवश्यकता, मतलब जो उनके जो जरूरत के अकॉर्डिंग क्या होता है, इन समितियों की रचना भी की जाती है। और जो नगर पालिका होती है इसके जो प्रशासनिक अधिकारी, जो चीफ ऑफिसर कहते हैं हम उसको, इसकी नियुक्ति जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो करती है। फंक्शंस क्या है इसके, फॉलोइंग वर्क कैरिड आउट बाय द म्युनिसिपैलिटी फॉर द वेल बीइंग ऑफ पीपल। वाटर सप्लाई मैनेजमेंट, अब देखो नगर पालिका जो है नागरिकों की सुविधा के लिए कौन कौन से वर्क करती है, तो ये आपका यहाँ पे दिया गया है। वाटर सप्लाई मैनेजमेंट, डोज मैनेजमेंट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर, वाटर एंड सैनिटेशन सिस्टम, सैनिटेशन सिस्टम होता है जो गंदे सफाई की व्यवस्था को करना, जो गंदे पानी के लिए ड्रेनेज का सिस्टम की व्यवस्था करना, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिज, टाउन प्लानिंग एंड एजुकेशन मैनेजमेंट, फायर एक्सटिंग्यूशर एक्शन अगेंस्ट द सेल ऑफ इनएडेबल आइटम्स, मीन्स क्या होता है, जैसे कि अग्नि, कहीं आग लग गया, कहीं अखाद्य पदार्थों की बिक्री के विरुद्ध कार्यवाही होती है ये। देन है आपका प्रोवाइडिंग फैसिलिटी ऑफ गार्डन एंड लाइब्रेरीज, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द कल्चरल बिल्डिंग ऑफ ऑडिटोरियम्स। ऑडिटोरियम्स मीन्स होता है जो सभागृह होते हैं, जो जहाँ पे सांस्कृतिक भवन जो होते हैं उसको, उसकी भी देखभाल करती है। एक्टिविटीज क्या, विजिट द म्युनिसिपैलिटी ऑफिस सिचुएटेड इन द अर्बन एरियाज, कलेक्टेड द डिटेल्स ऑफ ड्यूटीज परफॉर्म बाय द हेड ऑफ म्युनिसिपैलिटी, इफ यू आर स्टेइंग द म्युनिसिपैलिटी एरिया राइट द नेम ऑफ द वार्ड मेंबर्स। शहरी क्षेत्र के नगर पालिका के कार्यालय की मुलाकात कीजिए और नगर पालिका के अध्यक्ष को कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं उसकी जानकारी भी आपको लेनी पड़ेगी। देन है आपका, आप किसी नगर पालिका क्षेत्र में रहते हो तो अपने वार्ड के सदस्यों का नाम भी आप उसमें लिखिए, ओके। नेक्स्ट है आपका कॉर्पोरेशन, नंबर ऑफ मेंबर्स इन कॉर्पोरेशन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, मेंबर्स ऑफ कॉर्पोरेशन आर नोन एज द काउंसिलर ऑफ कॉर्पोरेटर, द हेड ऑफ कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड द मेयर। There are 8 corporation in Gujarat. ये जो corporation है बेटा, ये जो corporation में जो members होते हैं उसके according जो population होती है उसके आधार पर ये decide किया जाता है कि जो महानगर पालिका है, जो corporation है उसमें सदस्य की संख्या के according एंड जो corporation के जो सदस्य को क्या कहते हैं हम लोग, कॉर्पोरेटर कहते हैं, जो यानी जो कॉर्पोरेशन के जो मेंबर्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कौनसिलर भी कहते हैं, ठीक है।
और कॉर्पोरेटर भी कहते हैं। जो कॉर्पोरेशन में जो प्रमुख को जो उसका जो मेन होता है, जो हेड होता है, उसको हम लोग मेयर बुलाते हैं, मेयर नाम मेयर कहते हैं। गुजरात में 8 कॉर्पोरेशन है कॉम्पोजिशन। द म्यूनसिपलिटी इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट वार्ड्स। अ वार्ड इज एरिया हैविंग पॉपुलेशन अप टू 75,000। देयर आर 4 मेंबर्स, आउट ऑफ देम 50% आर रिजर्व फॉर फीमेल मेंबर्स। ऑल वोटर्स इन द सिटी कैन वोट इन पोल्स एंड इलेक्टेड देयर ओन लोकल कॉर्पोरेटर मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट वार्ड्स इलेक्टेड द मेयर थ्रू मेजोरिटी। द मेयर होल्ड्स हिज हर पोस्ट फॉर 2.5 ईयर्स। इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो कैसा होता है, जो कॉर्पोरेशन होती है, जो म्यूनसिपलिटी होती है, वो डिफरेंट वार्डो में इसको बांटा जाता है, जिसमें 75 जो पॉपुलेशन होती है 75,000, वो एक वार्ड, उसके अकॉर्डिंग एक वार्ड बनाया जाता है, जिसमें कि जो 4 मेंबर्स होते हैं 75,000 के पॉपुलेशन के आधार पर एक वार्ड बनाया जाता है, जिसके 4 मेंबर्स होते हैं, जिनमें कि 50% जो बैठकें होती हैं, जो 50% जो रिजर्व सीटें होती हैं, वो किसकी होती हैं, वो फीमेल जो महिला सदस्य होती है उसके लिए रिजर्व होती है। देन जो अब जो ऑल वोटर्स जो होते हैं सिटी के, शहर के जो सभी जो वोटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो 2 पोल्स एंड इलेक्टेड देयर ओन लोकल कॉर्पोरेटर। वो क्या करते हैं, वो शहर के जो सभी जो मतलब जो इलेक्टेड जो पीपल होते हैं, वो इलेक्ट करते हैं, मतदान करते हैं, उनका में इतना उनमें पावर होता है कि वो मतदान कर सकते हैं अपने क्षेत्र में कॉर्पोरेटर को चुनकर, उनके वोटिंग के अकॉर्डिंग उनके जो फील्ड का, उनके जो क्षेत्र का जो कॉर्पोरेटर है वो चुना जाएगा। डिफरेंट वार्डो में क्या होता है, जो इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं वो अपना बहुमत देते हैं, मतलब मेयर जो मेजोरिटी देते हैं अपनी, अब उसके अकॉर्डिंग वो अपना मेयर चुनते हैं। जो मेयर होता है वो अपने पद जो उसका जो पोस्ट होता है उस पर 2.5 वर्ष तक वो रहता है। देन है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। वेरियस कमिटी आर फॉर्म फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स अमॉन्ग विद द स्टैंडिंग कमिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ म्यूनसिपलिटी इज कंसिडर्ड एज म्यूनसिपल कमिश्नर। ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उसमें विविध कमिटी, अलग अलग कमिटियां होती हैं, उसमें कमिटियां बनाई जाती हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कमिटी बनाई जाती है, जिसमें जो इसमें जो कमिटी होती है वो स्टैंडिंग कमिटी कहलाती है। इसका इसमें मेन रोल प्ले होता है, जो स्टैंडिंग जो कमिटी होती है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है इसमें, ठीक है, जिसको कि हम स्टैंडिंग कमिश्नर भी कहते हैं, जिसमें जो वहां जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जिसको म्यूनसिपल कमिश्नर कहते हैं, जो कॉर्पोरेशन का जो मेन जो हेड होते हैं, जो इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन हेड, जो ये प्रशासनिक व्यवस्था का जो चलाते हैं, जो उसको कंसिडर करते हैं म्यूनसिपलिटी के, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्टैंडिंग उसको हम कहते हैं म्यूनसिपल कमिश्नर, जिसकी नियुक्ति गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होती है, ठीक है। अब इसके जो वर्क है फंक्शंस में, देयर इज मोर पॉपुलेशन सिटी सो द वर्क हैज टू बी डन विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेवलपमेंट एंड वेल बींग ऑफ द सिटीजन। अब जो क्या है कि मोर पॉपुलेशन सिटी, जो जहां पर ज्यादा जनसंख्या वाले जो शहर है, उसलिए जो इसलिए जो नागरिक जो होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, उनकी जो सुविधा और शहर की जो विकास होता है, जो सिटी का डेवलपमेंट होता है, उसके लिए अधिक जिम्मेदारी से पूर्ण वर्क किया जाता है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वर्क किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हाइजेनिक एंड सैनिटेशन, प्रोविजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर, क्लीनेस सिस्टम, क्लीननेस एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरीज, प्लेग्राउंड एंड गार्डन, कंट्रोल एडल्ट्रेशन इन द एडेबल आइटम्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिजेस, ओके। एक्टिविटीज, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ कॉर्पोरेशन विच आर देयर इन गुजरात, विजिट वेबसाइट ऑफ योर नियर बाई कॉर्पोरेशन एरिया, इलेक्टेड इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्टिविटीज विच आर द डन ऑनलाइन फॉर द बेनिफिट ऑफ द सिटीजन।
इसमें क्या है बेटा, गुजरात राज्य की जो कॉर्पोरेशन है उसकी आपको एक लिस्ट तैयार करनी है, फिर आपको अपने फील्ड में या फिर अपने आसपास में जो आपका कॉर्पोरेशन है उसकी वेबसाइट को आप देखिए, उसमें जो मेंबर्स हैं उसके, जो सिटीजन्स हैं उसकी सुविधा के लिए कौन कौन से वर्क किए जा रहे हैं, उसके लिए कौन कौन से कार्य ऑनलाइन होते हैं, उसकी आप ये जानकारी प्राप्त कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है कलेक्टर। कलेक्टर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। बिसाइड द बीइंग कलेक्टर ही शी वर्क एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स। कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड थ्रू यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ द थ्रू प्रमोशन स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स हिम हर शी ही शी him her he she maintains the administrative system in the district. It is collector duty to ensure that there is no shortage of essential commodities in the district. इसमें जो कलेक्टर है वो कौन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिले का प्रशासनिक अधिकारी होता है। कौन होता है कलेक्टर, कौन होता है वो जिले का प्रशासनिक अधिकारी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी होता है, जो कि प्रशासनिक की व्यवस्था को चलाता है। अब जो कलेक्टर के उपरांत जो न्यायाधीश होता है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहते हैं, वो जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। उसकी जो नियुक्ति होती है, उसको जो इलेक्ट किया, जो संघ की लोक सेवा आयोग यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, यूनिक रिपब्लिक सर्विस कमीशन के अकॉर्डिंग कलेक्टर का चुनाव होता है। यानी कि जो हमारा जो कलेक्टर होता है उसकी, उसको हम चुनते हैं। ये जो पद, इसकी जो इसके अकॉर्डिंग है, जिसके अकॉर्डिंग से मेरिट में नाम आता है उसके अकॉर्डिंग ये पोस्ट मिलती है। उसके राज्य की सरकारी जो नियुक्ति जो होती है वो जिले में की जाती है, किसी जिले के वो पूरे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है ना, कलेक्टर क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं, पूरे जिला का मालिक होता है, जो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है कि प्रशासनिक व्यवस्था वहां की कैसी है, किस ढंग से वहां की एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस कुछ किए चलाया जाए, जिससे कि उस पूरे स्टेट, मतलब उस पूरे डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट हो सके, उसका विकास हो सके, और उस डिस्ट्रिक्ट में जो उनके जो उनकी जो जीवन उपयोगी, उनके जो मेन जो उनके जो उनके सेशन कम्युनिटीज होती हैं, जो उनके जीवन के उपयोगी जो वस्तुएं होती हैं, उनकी जो कमी होती है उसको सर्जित न हो या निश्चित करने का जो कार्य जो होता है कलेक्टर का ही होता है, कि किसी चीज की उनके जिले में, उनके डिस्ट्रिक्ट में किसी चीज की कमी ना हो। रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द पंचायती राज। जो रोल होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, किसमें, पंचायती राज में। सरकार को क्या क्या रोल होता है, अब ये देखिए आप इसमें, को कोऑर्डिनेट्स एंड मैनेजेस द वर्क्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। कलेक्टर इज द सेक्रेटरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी विच द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंटायर डिस्ट्रिक्ट। इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत, अलॉट्स द रिजर्व सीट्स इन द ग्राम पंचायत। ही डिटरमाइंस टू रिजर्व द पोजिशंस द सरपंच फॉर द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रिप्स सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एंड वुमेन। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, सभी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका उनको मैनेज करता है और उनको कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, और ऑल जो डिस्ट्रिक्ट है उसके डेवलपमेंट के लिए कमिटी को कमिटी बनाता है, उस प्लानिंग करते हैं और विच इज रिस्पॉन्सिबल द डेवलपमेंट ऑफ इंटायर। अब किस तरह से डिस्ट्रिक्ट का, मतलब उसको विकास किया जाए, किस तरह से उसको आगे रखा जाए, हर चीज में इसका भी वो लोग आपस में मतलब डिस्कस करते हैं। देन फिर आपका जो ये जो ग्राम पंचायत के सदस्य जो होते हैं उसकी भी संख्या निर्धारित करता है, जो ग्राम पंचायत होती है उसकी आरक्षित सीटों का आवंटन भी करता है, और जैसे कि जो डिटरमाइन जो रिजर्व जो पोजिशन सरपंच। अब इसमें क्या है बेटा, जो अनुसूचित जाति होती है, अनुसूचित जनजाति होती है एंड जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग होते हैं उन लोगों को और महिलाओं के लिए भी सरपंच पद को आरक्षित रखने का निर्णय लेता है। कौन लेता है, डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर होता है वो। टीचर्स एक्टिविटी, प्रोवाइड गाइडेंस टू स्टूडेंट्स अबाउट द एग्जाम कंडक्ट बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। Inform about the IS, IPS and IFS, tell the name of IS and IPS level official, those who are performing the duties at district level.
provide information about the public exam conduct by the Gujarat Public Service Commission GPSC. ठीक है, ये जो संघ यूपीएससी क्या है, इसको हिंदी में हम लोग इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और हिंदी में हम इसको बोलते संघ लोक सेवा आयोग. मामलतदार इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ तालुका लेवल. हिज हर सिलेक्शन ऑफ डन थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ द प्रमोशन कंडक्टेड बाय द स्टेट रिपब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जीपीएससी. मामलतदार is the revenue head of taluka which is the made up of an average group of 50 villages or more. As an executive magistrate he is directly responsible to the collector for the maintenance of the law and order, prepare voter lists for the election of local self government, conducts election, provides the various type of certificates, manages and controls midday meals, relief operations at the time of natural disaster etc. मामलतदार जो है इसमें क्या तहसीलदार का स्तर जो होता है मुख्य अधिकारी होता है. ठीक है, अब इसकी जो पसंदगी गुजरात लोक सेवा आयोग का जो एग्जाम होता है जीपीएससी का जो एग्जाम होता है इसमें जो परीक्षा जो ली जाती है इसमें जो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग में जो प्रमोशन यानी कि जो पोस्ट दी जाती है इसमें जो तहसीलदार होते हैं लगभग 50 या उससे अधिक गांवों के समूह से बनी तहसील का महसूल अधिकारी होता है. ये जो कार्यकारी न्यायाधीश होती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं के रूप में कानून व्यवस्था के लिए सीधे जिला कलेक्टर के प्रति जवाबदार होते हैं. ठीक है, अब जो स्थानीय स्वराज के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करवाना भी इनका काम होता है. किसका? मामलतदार का. और चुनाव आयोजित करना, विविध प्रकार के दस्तावेज और प्रमाण पत्र को भी देना, इसके अलावा मिड टाइम जो होता है भोजन योजना का संचालन करना, उसको नियंत्रण करना, एंड जो प्राकृतिक जैसे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उसमें भी उनको राहत और बचाव का कार्य आदि वो करते हैं. ठीक है, लोक अदालत हैव बीन एस्टेब्लिश्ड विद द व्यू टू इम्पार्टिंग जस्टिस टू द पुअर सोशियोलॉजी बैकवर्ड पीपुल विक्टिम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर पीपुल हैविंग लो इनकम एक्स्ट्रा सो दैट दे आर नॉट डिप्रीव्ड फ्रॉम जस्टिस वेन द बोथ ऑफ पार्टीज एग्री दे आर कॉल्ड टू लोक अदालत आर द बेस्ट ऑप्शन टू सॉल्व द डिप्यूट्स लॉन्ग टर्म केसेज एंड डिस्पोज इन सच अ वे that no one loses or no one wins no expense in there to file a case in it. Long pending case in court affairs are resolved and settled satisfactorily. Lok Adalat frees the parties and wilties from the difficulties of the frequent visit to the courts. इसमें जो लोक अदालत है जो सभी गरीब और सामाजिक रूप से पिछड़े जो लोग होते हैं और जो नेचुरल डिजास्टर से जो घेले हुए लोग होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं और जो जिनकी इनकम कम होती है, इन सभी कारण से न्याय नहीं प्राप्त कर पाते हैं और जो जस्टिस से जो वंचित रह जाते हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए ये लोग लोक अदालत की स्थापना की गई है. अब ये दोनों पक्ष सहमत हो तो उन्हें लोक अदालत में बुलाया जाता है. ये जो लोक अदालत होती है इसमें विवाद निवारण का श्रेष्ठ विकल्प है. किसी की हार नहीं, किसी की जीत नहीं, इस तरह लंबे समय तक चले आ रहे केसों का समाधान लाते हैं. इसमें जो केस दर्ज करने के लिए कोई खर्च नहीं होता है. कोर्ट कचहरी में लंबे समय से पड़े केसों का दोनों पक्षों में संतोषजनक और समाधान पूर्वक न्याय मिलता है. बार बार तारीख पर धक्के खाते पक्षकारों जो होते हैं जो केस करते हैं वो गवाहों को होने वाली परेशानियों से लोक अदालत मुक्त करती है. ठीक है, when the settlement of agreement does not become possible then लोक अदालत takes up the case in hand and decided the judgment that the acceptable to the parties. The order of लोक अदालत is the final order. लोक अदालत brings the end of disputes. Both the parties get justice and
dispute is resolved, monkey and time is saved. A permanent Lok Adalat has been established in the district of the state. District of the state Gujarat by Gujarat Bar Association and Gujarat High Court Ahmedabad, there is no fees file a case to Lok Adalat or take any action. इसमें क्या है बेटा, जो समाधान संभव ना हो तो लोक अदालत के केस में के हाथ में लेकर निर्णय देती है। अगर मान लो कोई समाधान नहीं हो रहा है, ऐसा कोई मतलब लास्ट ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो जो लोक अदालत होती है वो केस हाथ में लेकर इसका करंटली उसमें उनको जस्टिस दे देती है, क्या होगा उसका फाइनल डिसीजन दे देती है। तो जो सभी पक्ष की, जो इसको दोनों पक्षों को मानना होता है, जो पार्टीज होती है दोनों, उसको ऑब्वियसली दोनों को मानना पड़ता है। अच्छा, लोक अदालत का जो निर्णय होता है वो लास्ट होता है, लास्ट डिसीजन होता है। लोक अदालत में विवादों का अंत आता है, मतलब इसमें एंड हो जाता है, कोई भी केस चल रहा हो उसमें लास्ट डिसीजन आ ही जाता है। अच्छा, दोनों पार्टीज होती है उनमें दोनों को जस्टिस मिलता है, और आपस में जो परस्पर जो उनके झगड़ने वाले जो लोगों के बीच में समाधान भी हो जाता है, और धन और समय की भी बचत होती है। गुजरात कानूनी सेवा सत्ता मंडल गुजरात हाईकोर्ट अहमदाबाद द्वारा गुजरात राज्य के जिलों में स्थायी लोक अदालत की स्थापना की गई है। स्थायी लोक अदालत में केस दर्ज करने अथवा कोई भी कार्यवाही करने के लिए कोर्ट की फीस नहीं लगती है। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपको समझ में आया।